नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। भले ही इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के आखिरी वनडे मैच में एक बार फिर से कप्तान विराट कोहली टॉस हार गए, लेकिन उन्होंने एक ऐसा माइलस्टोन छू लिया है जो बड़े बड़े भारतीय दिग्गज नहीं कर पाए। विराट कोहली भारत के लिए 200 इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी करने वाले कप्तान बन गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में उतरते ही उन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया। 2014 में टेस्ट और 2017 में शॉर्टर फॉर्मेट में एमएस धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद से विराट कोहली सभी फॉर्मेट में भारतीय टीम के कप्तान हैं। विराट कोहली ने अपने करियर में 60 टेस्ट, 45 T20 और 95 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की है। भारतीय क्रिकेट टीम की 200 मैचों में कप्तानी करने के मामले में वो तीसरे कप्तान बने हैं। उनसे आगे इस लिस्ट में एमएस धोनी और मोहम्मद अजहरुद्दीन है। धोनी तो बहुत बड़े मार्जिन से सबसे आगे हैं, उन्होंने 332 इंटरनेशनल मैचों में भारत की कप्तानी की है, जबकि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 221 इंटरनेशनल मैचों में टीम की कमान संभाली है। भारतीय क्रिकेट में इन तीनों कप्तानों के अलावा और कोई कप्तान 200 मैचों तक भारत की कप्तानी नहीं कर पाया। इस लिस्ट में इन तीनों के बाद सौरभ गांगुली का नंबर आता है, जिन्होंने 196 मैचों में भारत की कप्तानी की है। वहीं पांचवें स्थान पर वर्ल्ड चैंपियन कपिल देव, जो कि 108 मैचों में भारत की कप्तानी कर चुके हैं। आगे के अपडेट पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।